इंडिया में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है okay. मैं तो शायद इसको देख भी पहली बार ही रहा हूँ, लेकिन खाने में मज़ा आ रहा है। इन भाई साहब से लिया है यहाँ पे। ये ऊपर वाली चट्टान है जो थोड़ी उभरी हुई है, ये भी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी झीली हुई हुई है। दांत से बोतल खोलना भी एक कला है। उस ऊंचाई से वहाँ से हम उतरे थे, वहाँ से हम धीरे धीरे किसी तरह यहाँ तक आने में कामयाब हो गए। ज़्यादा ग्रीन भी है ना यहाँ पर सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा। इतनी हमें जो है ना अपने हिमाचल में जितनी देखने को मिलती है ना मार्च अप्रैल में बाहरों के मौसम में, इतनी ग्रीन भी यहाँ पर हमें अब देखने को मिल रही है सितंबर में, जबकि ये महीना जो होता है पतझड़ का महीना होता है। इस पतझड़ के महीने में भी हमें ग्रीन भी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाते हैं वहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा ग्रीन भी है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ग्रीन भी है यहाँ पर। सारा हिल एरिया है, ये हिल एरिया के चारों तरफ जो है ये पानी पे बसा हुआ है। समुद्र के बीच में जितना का भी ये हिल एरिया है, सामने सड़कें जो है ना सड़कें भी इसी तरह बनाई हुई है यहाँ पर छोटी छोटी। ये देखिए सब, कोई ऊपर जाती हुई तो कोई नीचे आती हुई, सड़कें सब इसी प्रकार की है यहाँ पर। और जहाँ नज़र जाए वहाँ पहाड़ और पर जो है पानी दिखाई देने लगता है, पानी पहाड़ इसी तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और असल में ये एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नेशनल पार्क, और इसी के अंदर जो है एक वाटरफॉल बना हुआ है। वो वाटरफॉल हम देखने जा रहे हैं नेशनल पार्क के अंदर जो है, वो यहाँ से थोड़ा ही दूरी पर रह गया है। और हम वहाँ कैसे जा रहे हैं मैं अभी आपको ये भी बता दे रहा हूँ। वहाँ हम जो जा रहे हैं, हम अपने एक गूगल मैप की मदद से जा रहे हैं। हम यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है, हम यहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मेरे पास मैप है जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है। मैप में जो है, मैप के ज़रिए हम यहाँ से सारी लोकेशन जो है ट्रैक कर पा रहे हैं, और इसी मैप के सहारे से जो है हम आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। सीधे ये देखिए, अभी यहाँ पर एक मोड़ आया था, एक इधर से रास्ता जा रहा है और एक आगे रास्ता जा रहा है। तो अभी हमने क्या किया, मैप का सहारा लिया और उसी मैप के सहारे से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो गूगल मैप है ये बहुत ही बड़ा आपका साथी हो सकता है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ का रास्ता आपको नहीं पता है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप एक बाइक ले लीजिए किराए पर, रेंट पर हो सके तो सस्ते से सस्ती जूती भी आप ले सकते हो बार्गेनिंग करने के बाद। और आप उसके बाद आप अपना मैप ओपन कर लीजिए। मैप जो है बहुत ही अच्छा साथी होता है। मैप जो है ये अभी दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए इसी मैप के सहारे से हम जो है उसी वाटरफॉल तक जा रहे हैं, और उसके आसपास जितने भी यहाँ की अच्छी अच्छी लोकेशन हैं उन लोकेशन को भी आज हम जो है देखने वाले हैं। यहाँ पर सीक्रेट बीच भी हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, वो बीच जंगलों के बीच से गुजर कर जो है वो भी हम देखने जा रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा इन जंगलों के बीच में भी क्या टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली, इसी टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण था। जैसे कि आप देख सकते जंगल के बीच में इन्होंने ऑटोमेटिकली मशीन लगाई हुई थी पेट्रोल के लिए, जिसमें आप पैसे डालिए और जितना आप चाहे पेट्रोल अपनी बाइक में डाल सकते हैं। 24 घंटे आपको यहाँ पर पेट्रोल की सुविधा भी मिलती है, पेट्रोल की सुविधा है, ATM की फैसिलिटी है यहाँ पर। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी भी कंट्री का, तो आप अपने उसी डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पर रात में दिन में किसी भी टाइम आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो, ले सकते हो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से हमारा जो ये लोकेशन दिखा रहे हैं, अभी 3 किलोमीटर और दूर दिखाई दे रहा है, अभी 3 किलोमीटर का और रास्ता दिखाई दे रहा है ये इसमें मैप में, जहाँ पर अभी हमें जाना है। और जहाँ से हम चले थे वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, 8
वाले हैं, पहुंच करते हैं और आगे की जो व्यूज है खूबसूरत मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे चल करके। तो स्टे कंटिन्यू और देखते रहिए। अब हम देखते हैं आगे चल करके क्या हमें देखने को मिलता है नज़ारा। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हमारी गाड़ी को चला रहे हैं इस्तिकार। ये हमने ड्राइवर जो है ये यहीं से ख़रीदा है। ये थाई भाषा बोलता है ये ड्राइवर जो है ना, ये थाई भाषा बोलता है और इसको हमने यहीं से ख़रीदा है। ज़रा बोल के दिखाओ थाई भाषा में कुछ। ये देखो ये थाई भाषा बोलने वाला ये जीप ये हमने ड्राइवर यहीं से पकड़ा है। तो अब यही हमको लेके जा रहा है आगे का जो सफ़र है। ठीक है ओके। खतरनाक है ना, कभी भी अगर बाइक चला रहे हो तो बड़े सावधानी के साथ आप बाइक को चलाइए। यहाँ पर जरा भी जल्दबाजी जो है वो आपकी जान को जोखिम में डाल सकती है। रास्ते जो रास्ते थोड़े डेंजर हैं, इन रास्तों पर थोड़ा संभल कर ड्राइव कीजिएगा। इस तरह से इस्तिकार ड्राइवर कर ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ी बहुत ही धीमी गति से। हम जो है अभी तक अपनी गाड़ी को जो है 40 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। हालाँकि ये जो हमारे पास ये एक इसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में इसको बाइक बोलते हैं, हालांकि ये एक एक्टिवा की तरह है जैसे हमारे यहाँ एक्टिवा होती है। लेकिन इसका इंजन जो है बहुत पावरफुल है, 150 सीसी का इसका इंजन है इस बाइक का, जिस बाइक पर हम ड्राइव कर रहे हैं 150 सीसी का इसका पावरफुल इंजन है। फोर स्ट्रोक बाइक है ये और पहाड़ों के ऊपर जो है ये कामयाब है। आप ऊँचाई पर इसे लेकर जा रहे हैं तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, बशर्ते कि अगर आप गाड़ी ठीक से ड्राइव कर लेते हो। और आपके मन में एक सवाल होगा, यहाँ पर हमने हेलमेट भी लगाया हुआ है, मेरे पास भी हेलमेट है वो मैंने अभी उतार के जो है डिक्की में रखी है। चेकिंग की बात करें तो यहाँ पर चेकिंग होती है कभी कभी, सम टाइम यहाँ पर चेकिंग होती है। और चेकिंग में क्या होता है कि आपको अपना लाइसेंस शो करना होता है। अगर आपके पास किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो वो यहाँ पर 20 दिन के लिए वैलिड है। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। हमारे पास इंडियन लाइसेंस है और इंडियन लाइसेंस से आप यहाँ पर बाइक आराम से ड्राइव कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फोर व्हीलर ड्राइव करना है तो उसके लिए आपको जो है एक नोट लिखवा के लेके आना पड़ता है अपना, इंडिया से ही वो कौन लिख के देता है उसके लिए मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगा। उसके लिए जो है कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनसे आपको बात करनी होती है, उनसे वो नोट एक बना करके देते हैं जिस नोट से आप जो है अपने इंडियन लाइसेंस के साथ अपनी फोर व्हीलर यानी कि आप चार पहियों की गाड़ी भी आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है हमें यही शूट करते हैं टू व्हीलर और इसी पर हम आप आगे जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े से रास्ते दिखा देता हूँ कैसे रास्ते हमारे सामने से आ रहे हैं। ये देखिए जैसा कि मैं बता रहा था व्यू कितना सुंदर है, यहाँ से खूबसूरत है। ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इस तरफ और ये रोड हैं, इतने घुमावदार रोड हैं ये कि आप इन पे ड्राइव करते हैं तो ये जो पट्टियाँ बनी हुई हैं इन पट्टियों का भी खास ख्याल रखें। वो देखिए वहाँ पर जो है वो समुंदर दिखाई दे रहा है और अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं तो शायद वो अब पेड़ों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आगे से अगर दिखाई देगा मैं दिखाऊंगा आपको। ये रोड देखिए आप कितने, और सफाई भी है, क्लीन है बिल्कुल एकदम से, कहीं से भी कोई गड्ढे नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरे रोड है। आप अपनी लाइन पर चलते रहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो देखिए सामने जो है अब हमारे समुंदर आने लगा है। ये देखिए सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त देखिए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों के नीचे जो है समुंदर है। चलिए कोई बीच।
टी एंड हाउ मच दिस 5 baht 1 एक 5 रुपए का देखो भाई खा के कह रहे खा के देखो सॉरी सॉरी ओके मोर ये पता नहीं भाई क्या चीज है लेकिन देखते हैं खा के ओके बीज से खाने बीज से नहीं छोड़ गया देखो मीठे काफी अच्छा मीठा फल है ये पता नहीं कौन सा फल है यहाँ से हम नीचे वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं मैंगो टीन ओके ले और टू टू मा टू मा ये यहीं का कोई फल है देखा मैं जो अभी हम खा रहे हैं ओके गुड नो गुड आई कैन नॉट से यू कांट स्पीक इंग्लिश फुली नाउ ओके यस दिस इज अ गुड आइटम यम्मी यम्मी टेस्टी खूब यम्मी बनाओ भाई मिल ओके मोर नो ऊपर बनने तू मोर मेरी देख ओके वन मोर भाई मजा आ रहा है पता नहीं कौन सी अपनी अपना इंडिया में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है okay. मैं तो शायद इसको देख भी पहली बार ही रहा हूँ लेकिन खाने में मजा आ रहा है इन भाई साहब से लिया है यहाँ पे यो Where you find this? Sorry, which tree? Like tree, which tree? बोल नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में इनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश नहीं आती इनको बाकी यू नो यू डोंट नो इंग्लिश इंग्लिश लिटल ओके I want to ask which tree from you can. I cannot see. I not look. Okay. You not look. Yeah. Which tree from this? Two more. No. No. Pass. No. Aur khaoga bhai? Yes. Money. Okay. Kitne? 30 baht. 30 baht. More ka thave. 40 okay two more okay 40 no not now okay after okay khapun khap khapun khap have cold drink have water cola fanta okay give me a water bottle water bottle one how much water, is cola. How much is the water bottle 20 baht 20 it's small or big small bottle 20 rupees की एक पानी की बोतल है छोटी छोटी बोतल है 20 rupees की खैर ऐसा होता ही है यार अक्सर जब आप ऐसी जगह पर आते हो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट पहुँचते हैं वहाँ पर थोड़ा महंगा ज़रूर होता है तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है यस ओके ये 20 rupees की बोतल है छोटी सी भाई एक हाथ से जो है ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है दांत से बोतल खोलना भी एक कला है ये देखिए इसके लिए आपको मजबूत दांतों की जरूरत पड़ेगी तभी आप खोल सकते हैं अपने दांतों के साथ
पैसे दे दिए इनको, 20 रुपये। Okay, can you tell me which way of the going waterfall? This way. Okay, thank you very much. And nice to meet you. Bike bata de. Problem. Okay. Can I leave my bike here? Okay. No problem. No problem. No problem. It's okay. Okay, bike yahi khadi kar sakte hain, koi problem nahi hai. Aur ye rasta niche ki taraf ja raha hai. कौन सा? ये नीचे की तरफ जा रहा है, वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पर अब हम जा रहे हैं। ये देखिए क्या बात है। और मैंने जो है ना अपने आगे आगे इसको ही रखा है, अपने जो ड्राइवर था ना हमारा, ये मोटा भाई, इसी को रखा है। इसमें गोश्त थोड़ा ज़्यादा है, अगर कोई जानवर आगे से सामने से आया, कोई शेर वेर या भालू कोई भी, तो वो सबसे पहले जो पकड़ेगा ना वो इसी को पकड़ेगा। सबसे आगे मैं इसी को रखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो गोश्त भी नहीं है। चोट लगे, पट्टी नहीं करवाई भाई ने। ये देखिए क्या बात है। और ये देखिए क्या बात है। कोई बात नहीं, ईद और आएंगी। जड़ोगे ऐसे पेड़िया बन रही हैं सीधे एसएमटी। ये देखो यार, ये क्या रास्ते जो है ना, ये पेड़, पेड़ों की जो टहनियाँ है ना, उनकी जड़ों से ये एक तरह से जो स्टेयर बोल देते हैं ना, स्टेयर बनी हुई है जीना। ये देखिए क्या रास्ते हैं। और यह रास्ता जो जा रहा है थोड़ा जंगल है यार, मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि ऐसे जंगली रास्तों में ना, इन बीहड़ों में जो है कई बार कुछ खतरनाक जीव भी आपको मिल सकते हैं। इन जीवों से आपको डरना पड़ता है, जीवों से बचने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है। अरे हेलमेट अपना भी उसी में रख दिया था क्या, बाइक की डिग्गी में? ओके। अरे बीहड़ तो काफी दूर तक फैले हुए हैं। अरे कुछ दिखाई, आवाज आ रही है यार, वो दिखाई भी दे गया, क्या बात है यार। दिखाऊं तुम्हें भी? दिखाऊं? अरे रुको, दिखा दूं? अच्छा अच्छा दिखा देता हूँ। वो देखिए, वो है वो झरने। अभी नज़दीक लेके चलता हूँ, नज़दीक लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको भी कौन से ये पहाड़ों के बीच में है। थोड़ा अभी यहाँ पर ढूंढना भी पड़ेगा हमें। ये देखिए, अच्छा अब दिखा दूँ? ये देखो तितली, अब दिखा दूँगी। ये देखो भाई को तितली मिल गई यहाँ पे। ये देखो भाई, ये पहाड़ों के झरने शुरू हो गए हैं। उधर जाना है अभी हमें नीचे की तरफ, वहाँ पर हमें झरने मिलेंगे जो खूब सारे हैं। ये पहाड़ है इधर से पत्थर, और ये जो पानी है ना भाई, ये समुद्री पानी नहीं है, ये दूसरा पानी है। एक होता है ना समुद्र का पानी, वो तो खारा होता है, ये पानी मुझे अलग लग रहा है। ये वो वाला पानी है, इसको आप पी भी सकते हैं। इसके लिए अब हमें नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे की जाने के लिए जो है ये रास्ते अभी कुछ ऐसे हैं कि जो हमें पार करके जाने हैं। कोई रास्ता देखते हैं अच्छा सा जाने का। अरे ये अब इधर से निकल करके हमें जाना है। अरे अरे ओहो, अभी बहुत ज़्यादा गहराई है नीचे। यहाँ से तो मैं, अगर मुझे लगता है अगर मैं गिर गया यहाँ से तो मैं शायद नहीं बचने वाला हूँ यार, इतनी गहराई है यहाँ।
हद से ज़्यादा। ओह क्या बात है भाई, तो भाई मैं भी चलता हूँ धीरे धीरे उतरने की कोशिश करता हूँ, है काफ़ी लंबा रास्ता वैसे ही है, इसी रास्ते से उतरते हैं। और यहाँ पर ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों पर थोड़ा संभल कर ही चलिएगा, ये चट्टानें जो हैं आपका अगर हल्का सा पैर स्लिप हुआ तो आप पहुँच जाएंगे वहाँ नीचे की तरफ। और मैं ये कहूँगा ये जो वाटरफॉल है अभी जैसे आप थोड़ा सा है, और लेकिन इससे जो है आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, कभी भी यहाँ पर जो है रफ्तार इसकी बढ़ सकती है किसी भी समय, तो आपको अपने कान और आंखें ये सब कुछ आपको खुला रखना चाहिए यहाँ पर ऐसे इलाकों में। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक भी यहाँ पर शख्स नहीं है, सिर्फ हम ही यहाँ पर हैं और कोई भी यहाँ पर नहीं आया हुआ है। मुझे लगता है ये देखिए ये ऐसी जगह है यहाँ पर इंसान जो हैं बहुत ही कम यहाँ पर आते हैं, और आए भी बहुत कम ही हैं लोग यहाँ पर, मुझे लगता है आज भीड़ नहीं है, भीड़ क्या यहाँ पर कोई है ही नहीं। ये पानी पहाड़ों से निकला हुआ है ना कि समुंदर से, और मुझे तो लगता है ये पानी जो है पीने के काबिल भी होगा, लेकिन सिर्फ ये बरसात की वजह से इसका थोड़ा कलर आप देख रहे हो पत्थरों के साथ इसका कलर मिला हुआ है। पानी बिल्कुल साफ़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पानी बिल्कुल साफ़ है, ये रहा ये देखिए बिल्कुल वाइट पानी है, सिर्फ इसका कलर जो है आपको पत्थरों में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पत्थर है, पानी बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर वाटर है। और ये जो चट्टान आप देख रहे हो जिस चट्टान पर हम खड़े हैं ये भी अभी गीली हुई हुई है, यानी कि यहाँ भी पानी आ चुका है, यहाँ तक पानी था और यहाँ कब किस वक़्त क्या हो जाए हर एक मिनट के बाद आपको क्या नज़ारा देखने के लिए मिलेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसका, यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए ये वाली चट्टान भी कितनी गीली हो चुकी है, और तो और ये ऊपर वाली चट्टान है जो थोड़ी उभरी हुई है ये भी यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी गीली हुई हुई है, यानी कि इससे ये साबित होता है कि यहाँ अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भी पानी था, और अगर यहाँ एक साथ ढेर सारा पानी आया तो शायद हम ना बचे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ निकलना होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कोई सेफ़ जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम सेफ्टी के साथ घूम सकें या बैठ सकें, यहाँ पर बैठना जो है वो ख़तरनाक होगा। ये जो आप दरार देख रहे हो ना इनके बीच में ये दरारें हैं, इन दरारों में अगर आप फंसे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, यहाँ से उतरना भी काफ़ी मुश्किल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये दरारें जो हैं ये काफ़ी गहरी हैं और काफ़ी लंबी भी हैं ये दरारें ये इन पत्थरों के बीच में ही बनी हुई हैं, ये पहाड़ों से आए हुए हैं पत्थर। तो अब हम जो है कोशिश करते हैं उस तरफ चलने की, उस तरफ से मुझे एक रास्ता दिखाई दिया है वहाँ से, इस मैं अभी इस पत्थर पे हूँ जहाँ से मैं उस पर पांव रखूँगा, वहाँ से फिर दूसरे वाले पर पांव रखूँगा ये देखिए, लेकिन थोड़ा पैर जो है यहाँ पर स्लिप भी हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी इस कंडीशन में जो है अपने हाथों को भी संभालने की। और ये देखिए यहाँ से अंदर एक बीहड़, ये कितना ख़तरनाक लगता है देखने में, ये बीहड़ बिल्कुल भी मतलब जो है सेफ नहीं लगता है, ये काफ़ी ख़तरनाक लगता है। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी स्नैक भी हो सकते हैं, स्नैक यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं इस इलाके में, और मुझे लगता है धीरे धीरे मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ से, और वैसे तो मैं इनका सहारा लेकर के उतर रहा हूँ, ये जो बेल है ये आपका बहुत ही आपको सहारा दे सकते हैं, ये बेल काफ़ी मजबूत भी होती है, आप अगर इन बीहड़ में हैं तो आप इन बेल को पकड़ के भी आप नीचे धीरे धीरे से उतर सकते हो। यहाँ पर
आगे मुझे लगता है काफ़ी डेंजर एरिया है, इलाका पूरा डेंजर है ये, तो हम ये मुझे हाथ में कुछ पकड़ा है मैंने और मेरे पाँव जो हैं थोड़ा धीरे धीरे, ये देखिए वो क्या जा रहा है, वो क्या जा रहा है, वो कुछ गया वहाँ पर एक जीव, अभी यहाँ से वो दौड़ करके गया और वो उस पत्थर के जो निचली सतह के अंदर वो दरार है वो वहाँ पर जा कर के फंस गया है। ये देखिए मेरे साथ ये दरार जो है ये भी यहाँ पर थोड़े सुकन्ने हैं लेकिन हमने जो है इसको पकड़ के रखा है। आगे रास्ता जो है मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है और आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, बनाना पड़ेगा हमें, मुझे लगता है हमें कुछ नया प्लान करने की ज़रूरत है यहाँ से अब आगे उतरने का रास्ता। ये देखिए यहाँ से उस पत्थर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से ये लगता है कि ये और वो पत्थर जॉइंट हैं लेकिन नहीं, वो पत्थर वहाँ पर नीचे है और इसके इन दोनों पत्थरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। ये मैं वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ तो इसलिए ये हो सकता है कि नज़दीक भी लगे, अगर मैं इसको वाइड एंगल हटा दूँ तो शायद ये आपको नज़दीक से नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ से आगे जाना जो है थोड़ा हाई रिस्की ज़रूर हो सकता है। हाँ देखिए वहाँ से हम उस ऊंचाई से वहाँ से हम उतरे थे, वहाँ से हम धीरे धीरे किसी तरह यहाँ तक आने में कामयाब हो गए और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल ऊंचाई की तरफ जाता है, जितने भी जो बीहड़ होते हैं ये हमेशा पहाड़ हमेशा नीचे की तरफ जाता है, अगर आपको पहाड़ से नीचे उतरना है तो आप पानी का सहारा लेकर पानी के साथ साथ जा सकते हैं, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है।